और मुझे लगता है कि लोग जिस योग्यता के हैं उसी योग्यता के लीडर्स उनको मिलते हैं, तो उसके परिणाम भुगतने भी चाहिए और वो परिणाम हम भुगत रहे हैं और हम सबको भुगतने पड़ने वाले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम होता है वो हर व्यक्ति के जीवन को छूता। और ये कोरोना काल में जो हम गलतियां कर रहे हैं, ब्लंडर्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़े ब्लंडर्स। शाम मानो चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। निखिल रंगारी, इनका सवाल ऐसा है कि अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला में लाखों लोग साथ में आए हैं, वो भी सब होने दिया, बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं वो भी, उसमें बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती है, ये भी चलने दिया, तो मोदी सरकार ने ऐसे निर्णय जो लिए हैं उसके कारण क्या लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे? आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देना बड़ा कठिन। मोदी जी गलत निर्णय लेते हैं, उसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ते हैं, ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। यानी वो इतने बड़े ब्लंडर्स करते हैं कि दुनिया में आज तक शायद ही कम लोगों ने इतने ब्लंडर्स किए होंगे, और भारत में तो किसी ने इतना बड़ा ब्लंडर आज तक किया नहीं। जैसा डीमोनेटाइजेशन का निर्णय, डीमोनेटाइजेशन का निर्णय जिसको अर्थव्यवस्था की एबीसीडी नहीं समझती ऐसा ही व्यक्ति ले सकता है, यानी जिस ढंग से लिया। डीमोनेटाइजेशन का निर्णय लेने के पहले अगर वे 2000 के 1000 के नोट बड़े पैमाने पर छापते, सभी बैंकों को प्रोवाइड कर देते, फिर लोगों को एक दो महीने का अवसर देते, जैसा मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, तब 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, उसमें से 2 नोटें मेरे पास अभी तक पड़ी है और आसानी से लोगों ने बदल दी थी, जो भी ब्लैक हो गए वो व्हाइट में आ गए, और मेरे पास तो सब फीस इकट्ठा होती थी वो कैश में होती थी, उसमें काफी 1000 रुपए के नोट्स आते थे, वो सब बैंक में जमा होते ही थे, लेकिन उस समय जो कुछ भी काम के लिए रखे होंगे वो सब जमा करने पड़े, सबको ही करने पड़े, तो मेरे जैसे व्यक्ति का तो सवाल नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का ब्लैक मनी था उन लोगों ने आयदर सरकार को डिक्लेयर किया या फिर धीरे धीरे वो व्हाइट कर लिया, इसका मतलब वो हिसाब में आ गए। तब हमें भारत सरकार ने ये नोट बंद किए, इसका कोई असर किसी पर बुरा नहीं हुआ, और जो उद्देश्य था वो भी सफल हुआ कि जो भी चलन में नकली करेंसी आई है वो भी उसमें से छट जाए और ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में रूपांतरित हो। अभी वो किसी ढंग से भी आए तो भी व्हाइट बन जाता है, जब बैंक में आता है तो वो व्हाइट बन जाता है, और बैंक के अलावा कहीं वो चेंज नहीं होता था, एक्सचेंज नहीं होता था, तो नेचुरली बैंक में आ गए। तो जब मोदी सरकार ने, मोदी जी ने रात को 8 बजे डिक्लेयर किया कि ये नोटबंदी मैं कर रहा हूं, 500 और 1000 रुपए के नोट अब से बंद हो गए, रात को 12 बजे से वो चलेंगे नहीं, 4 घंटे की मोहलत थी, 4 घंटे के रात को 8 से 12 को कोई मतलब था नहीं, मुझे खुद नाश्ता नहीं मिला रास्ते में, क्योंकि मैं प्रवास कर रहा था, यवतमाल से मुंबई कार से जा रहा था, होटल वाले ने नाश्ता नहीं दिया, अकोला में नजदीक में था तो खाना खिलाया तो मित्र ने ही खिलाया था, इसलिए उसके पैसे नहीं देने पड़े, और वो उसका दोस्त था इसलिए सवाल नहीं आया होटल वाला, लेकिन बाद में सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला, पेट्रोल पर केवल चलते थे। तब मैंने समर्थन किया था इस बात का कि मैं ये मानकर चला था कि जो आदमी इतने दिन मुख्यमंत्री रह चुका है उसको मालूम है, उनको इतना तो डेफिनेटली मालूम होगा कि इस देश में करेंसी पर ही ये देश चलता है, इस देश में 80% व्यवहार करेंसी में होते। अब मेरे गांव से बैंक दूर है कम से कम 8 किलोमीटर,
उसके लिए दो बसेस बदलनी पड़ती है, एक एक डेढ़ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है रोड तक, जो मेरा मिठनापुर नाम का गांव है, वहां से एक बस पकड़नी पड़ती है जो बाबुलगांव तक ले जाती है, फिर बाबुलगांव से दूसरी बस पकड़कर बैंक में जाना पड़ता है। अब जिस आदमी के पास, गरीब आदमी है, 500 रुपए की नोट है, लेकिन खाने को नहीं मिल रहा है, वो 500 रुपए के नोट बदलने के लिए बैंक में कतार लगाए और उसके लिए खर्चा करे 100 रुपया और दिन भर की मजदूरी छोड़ दे, ये तो मेरे गांव की स्थिति है। ये हमारा देश है, ये देश मालूम ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की थी, जिसके कारण पूरे देश को, उसके परिणाम अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़े। जीएसटी जिस गलत ढंग से लाया, उसके परिणाम भुगतने पड़े। मैं बोला नहीं हूं क्योंकि अभी मुझे कुछ नेगेटिव बोलना नहीं था, लेकिन मैंने दो प्रोग्राम पहले लिए हैं, शनिवार 29 सितंबर 2020 को और रविवार 29 अगस्त 2020 को और 6 सितंबर 2020 को, कोरोना महामारी युद्ध जीते या हारे, बहुत विस्तार से ये दो प्रोग्राम लिए थे। तब लॉकडाउन आवश्यक है कि नहीं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। अभी भी मैंने कहा कि सरकार के पास दूसरा कोई अभी चारा नहीं है, इसलिए कई राज्यों के सरकार को कंपलसरी लॉकडाउन लगाना ही होगा। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, उसका हर एक को समर्थन करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था हमारे पास है ही नहीं। हमारे मोदी जी ने महाराष्ट्र के, तब भी उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 7 दिन पहले से लोगों का धीरे धीरे मन तैयार किया कि आगे चलकर हम लॉकडाउन लगाने वाले, एक एक चीजें बंद करते गए। और वैसे महाराष्ट्र में संचार बंदी वगैरह तो ऑलरेडी लग चुकी थी, 22 तारीख के पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, 20 तारीख से, 19 तारीख से ही किसी को भी काम के बगैर बाहर जाने का अधिकार नहीं रखा था, बहुत महत्व का काम है तो ही आप बाहर जा सकते। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने पूर्ण तैयारी करने के लिए अवसर देकर लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। और तब मोदी जी ने केवल 4 घंटे के वार्निंग पे 8 बजे बोला और 12 बजे 24 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे, या तो दो चीजों में उनकी गलती हुई थी। एक तो उनके जो सलाहकार है, हालांकि उसके बारे में एनडीटीवी ने काफी संशोधन किए, किस सलाहकार का सुनकर मोदी जी ने यह निर्णय लिया था, निष्कर्ष बाहर आए कि किसी भी सलाहकार ने ऐसी सलाह उनको नहीं दी थी कि 4 घंटे में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगाना आवश्यक था, उसके बारे में कोई डाउट नहीं, क्योंकि भारत जैसी व्यवस्था ऑलरेडी हमने, जो हमारी पब्लिक जो मेडिकल सर्विसेस है वो पूरी तरह से हमने ध्वस्त कर दी थी, पूरे देश प्राइवेट पर ज्यादा जोर दिया था, सरकारी यंत्रणाएं, मेडिकल यंत्रणाएं एकदम से कमजोर थी। केरल की अच्छी थी, महाराष्ट्र की थोड़ी बहुत ठीक थी, कुछ प्रांतों में थोड़ी बहुत ठीक थी, दिल्ली में वहां की सरकार ने अच्छे ढंग से वो निर्माण करने की कोशिश की थी, ऐसे कुछ अपवाद छोड़ दिए तो बाकी पूरे देश की सब तरह से ध्वस्त हो गई थी। और उस अवस्था में हमारे प्रधानमंत्री जी 4 घंटे के इसमें लगा देते हैं, पूरी तरह से 100% लॉकडाउन, और वो इस भ्रम में लोगों को रखते हैं कि 21 दिन में यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि महाभारत का युद्ध 14 दिनों में खत्म हुआ था, 21 दिन में यह खत्म हो जाए। अब यह सलाह उनको कौन से डॉक्टर ने दी कि 21 दिन में यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? दुनिया के एपिडेमिक के, पेंडेमिक के जो इतिहास है वैसे नहीं है कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा। किस साइंटिस्ट ने उनको बताया था? कि वो खुद ही बड़े साइंटिस्ट है, सारी दुनिया का ज्ञान उनको है,
और फिर वो लॉकडाउन बढ़ते गया और क्या हाल हुए आप सब जानते हैं। यानी जिस प्रधानमंत्री को हमारे देश के गरीबों की अवस्था क्या होती है ये भी मालूम नहीं कि वो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, कमाने के बाद ही उनको खाने को मिलता है। इस देश के 25 करोड़ के ऊपर के लोग ऐसे हैं कि जो 7 दिन भी अपने आप जी नहीं सकते हैं अगर कमाई नहीं करेंगे तो। ये जिस प्रधानमंत्री को मालूम नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये निर्णय लिया, उसके पूरे परिणाम सारे देश में भुगते। अब मुझे बताइए, ये 3 बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, ये इतने बड़े ब्लंडर्स हैं और अक्षम्य है, जिसको थोड़ी भी संवेदनाएं हैं, देश के लोगों की चिंता है, देश को समझता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस ढंग के निर्णय नहीं ले सकता। ये वही ले सकता है जो अपने धुनकी में रहता है और अपने आप को प्रति परमेश्वर समझता है, वही ये निर्णय ले सकता है इस ढंग की। अब इतने बड़े ब्लंडर्स करने के बाद भी अगर लोग उनसे दूर नहीं हटे, कोरोना काल है, किसानों के लिए कानून किए, किसान इस कानून के विरोध में इतने बड़े पैमाने पर खड़े हो जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं और ये कानून के माध्यम से किसानों का भला होगा ऐसा कहने वाले को अर्थशास्त्र नाम की चीज समझती नहीं, लेकिन अपने मित्रों के लिए कानून की है, उसके लिए अड़के रहते हैं। और इतने बड़े किसानों की जान जोखिम में लगातार डालते रहते हैं, तो ये कुंभ मेले में लोग आए, हजारों लोग आए, हजारों लोग अभी गांव गांव जाएंगे कुंभ मेला से, ये बहुत स्पीडली फैलने वाला जो कोरोना है, डबल म्यूटेंट जिसको हम कहते हैं, ये डबल म्यूटेंट गांव गांव पहुंचेगा, पूरा देश और बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होगा, बहुत केसेस बढ़ेगी, बाकी राज्यों में तो अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, उसके परिणाम भुगतेंगे लोग, मरेंगे, तो क्या बिगड़ेगा? 135 करोड़ की जनसंख्या, कुछ मर भी जाए तो क्या बिगड़ता? सेम रहा बंगाल का चुनाव, ठीक है हमको ये डबल म्यूटेंट की जब तक शायद कल्पना नहीं थी, कोरोना स्पीडली फैल रहा है इसकी कल्पना नहीं थी, तब शायद हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जोरों से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, मास्क बगैर पहनकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान देकर कर रहे हैं, इसको तो क्षम्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सब तज्ञ हैं, अभी तक कोरोना कायम है, रोज केसेस आ रही थी, ये सब पता था, इसके बावजूद उनकी जिम्मेदारी थी। हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बगैर मास्क के लोगों के सामने जाते हैं, उदाहरण निर्माण करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता, ये पहले ही हम सब कुछ दुराचार कर रहे थे, मैं इसको दुराचार कहता हूं, क्योंकि लोगों की जान जानबूझकर जोखिम में डालना, इससे बड़ा दुराचार कोई नहीं हो सकता। तो ये चुनाव के नाम पर हम करते ही आ रहे थे, ना चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र नाम की कोई स्वतंत्र यंत्रणा हमारे देश में बची नहीं है, ये भी इतनी बड़ी गलती करने के बाद आपको लगता है कि लोग मोदी जी से दूर जाएंगे? इतने बड़े ब्लंडर्स करने के बाद ही अगर मोदी जी से दूर नहीं गए हैं लोग, किसानों के पाव पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारने के बाद भी अगर मोदी जी से दूर नहीं गए हैं लोग, तो कब जाएंगे? ये हमें देखना पड़ेगा, विश्वास के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि लोग जिस योग्यता के हैं उसी योग्यता के लीडर्स उनको मिलते हैं, तो उसके परिणाम भुगतने भी चाहिए, और वो परिणाम हम भुगत रहे हैं और हम सबको भुगतने पड़ने वाले,
क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम होता है वो हर व्यक्ति के जीवन को छूता। और ये कोरोना काल में जो हम गलतियां कर रहे हैं, ब्लंडर्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़े ब्लंडर्स, ये माफ करने लायक नहीं है। मैंने कहा था कि आज मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए आज नहीं बोलूंगा उस विषय पर। इसलिए आपका जो सवाल आया है उस संदर्भ में मैं छोटी सी बातें कही, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें है। ये ब्लंडर्स कैसे हैं, कितनी मूर्खताएं हमने की है, उसको मैं बाद में विस्तार से आपके सामने रखूंगा। आज के प्रगत विज्ञान के युग में हम इतने बड़े पैमाने पर हमारी जनता को मरने देने के लिए छोड़ सकते हैं, ये कोई भी सेंसिटिव इंसान नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसको हृदय नाम की कोई चीज नहीं, जिसको हम दिल कहते हैं उस नाम की कोई चीज नहीं। ये तो फैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनसे दूर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आगे देखने का विषय है। क्योंकि फिर कोई हिंदू मुस्लिम आ जाए, फिर कुछ आ जाए, फिर कुछ हो जाए, कह नहीं सकते। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।